भाई जी समर्थन करता हूँ, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र में वो नहीं चाहिए जहाँ पर मुस्लिमों को जय श्री राम के नाम पे पीटा जाए, जहाँ पर दलितों को पीटा जाए, जहाँ पर उन्हें कुएं से पानी न लिया जाए। हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए जहाँ स्कूल अच्छे हों, जहाँ शिक्षा अच्छी हो, जहाँ अस्पताल अच्छे हों। रामराज का जो भक्ति है वो भक्ति ही होगा, रामराज से तो पब्लिक को कुछ नहीं लेना, पब्लिक को तो रोजी रोटी चाहिए, रोजी रोटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतने हम लोग कभी घर से फैमिली बाहर नहीं निकलते थे, वो फैमिली हम बाहर निकलने लगे, एक एक आदमी के ऊपर इतना बोझ हो गया, कर्ज में दब गया आदमी ये लॉकडाउन लेके, तो उसमें औरत को जो औरत घर में रहती थी वो औरत रोड पे आ गई, तो उसको अब क्या चाहिए? मोदी उदी से हमें कोई लेना देना नहीं, भगवान अपने जगह है, मोदी अपने जगह है। राम राज्य जब यह है कि हम लोग जातीय समीकरण को खत्म करेंगे। अच्छा, इंसान जो है ना केवल भेदभाव ना करे आदमी से, वही राम राज्य है। वही राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब इन सबसे बाहर आके अब देश की मुद्दों पर बात करना चाहिए, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, लोग गरीब हैं। अभी आप देखिए ठंड के आंकड़े कितने हो जा रहे हैं, सुनामी आ रही है उधर, तो वो आ रहा है, कहीं पानी नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है, अब इन पे बात होनी चाहिए। ऐसे भगवान है, भगवान सबने हमने भी खुशी मनाई, हमारे मंदिर हम पब्लिक बना रखे हैं, उसमें भी हम लोग खुश थे, नाचे गाए सब चीज़ किए, मगर यहाँ तो रोजी रोटी का सवाल है। लॉकडाउन से हम लोग भीख मांग रहे हैं रोड पे, जो औरत घर से बाहर नहीं निकलती थी वो भी औरत जाके कोठी में बर्तन मांजती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो ये मंदिर बना है और भाजपा इसका एडवांटेज ले रही है वो गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के उससे बना है मंदिर जो बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। गवर्नमेंट को जाना है जैसे रोजगार की तरफ थोड़ा फोकस देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी थोड़ा बढ़ रहा है नौजवानों में। गरीबों, हजारों गरीबों को पूछो जो मोदी ने क्या किया है, 400 रुपये दिहाड़ी करके हम आते हैं, 400 रुपये में हमारे परिवार 10 हो तो उसमें खाना नहीं मिलता हमें, हमें पता है ना किस चीज़ से महंगाई कैसे मारी जाती है। रोड पे चलते जहाँ 300 कमाते थे वहाँ 200 नहीं कमा पा रहे, हम 200 नहीं कमा रहे, हफ्ते हफ्ते गाड़ियाँ खड़ी रहती है हमारी। रामराज लाना है तो वहाँ पे हर जगह जगह एम्स टाइप के हॉस्पिटल बने, शिक्षा के संस्थान बने, जो फीसें 2 लाख रुपए एम्स IIM वगैरह की थी आप 20-20 लाख कर दी, वो नहीं होना चाहिए। लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं, उनसे अच्छे विदेशी से अच्छी शिक्षा के इंस्टीट्यूशन देश में खुलना चाहिए ताकि लोग बाहर ना जाएं। मोदी को वोट देना या ना देना हमारी हम पे चुनेंगे, हम किसको चुनेंगे ये कुछ नहीं है, भगवान के नाम पे हम मोदी को ही वोट डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। श्री राम को खुद आना पड़ेगा, तभी आना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, तभी जो सबरी के बेर खा पाएगा तभी राम राज जा पाएगा। 23 दिसंबर 1949 से शुरू हुआ एक मुद्दा कल के दिन यानी 22 जनवरी 2024 को अपने एक नतीजे तक पहुंच चुका है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और जो बातें कही जा रही हैं कि राम मंदिर से लेकर राम राज्य तक का सफर हम तय करने वाले हैं, इसकी बातें हम पिछले कई दिनों से हम और आप कई दिनों से सुन भी रहे हैं, लेकिन आम लोगों का इसके बारे में क्या विचार है ये अभी तक बड़ा धुंधला सा है। क्या राम मंदिर केवल राजनीतिक इवेंट था, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो राजनीतिक इवेंट था, या उसके कुछ और मायने भी थे? जो रामराज्य की बात की जा रही है वो केवल राजनीति में आया है या फिर आम लोगों की जिंदगी में भी प्रवेश कर गया है, इस पर सभी विचार अभी धुंधले हैं। इसी विचार को जानने के लिए आज हम दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो राजनीति इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द पिछले करीब 70 सालों से चल रही है उसका आखिर में आम लोगों की जिंदगी पर असर क्या पड़ने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, उत्तर प्रदेश में दिवाली है, पूरे देश में दिवाली है। कल रात हमने देखे भी वो विजुअल की जहाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, घर घर में दिए जलाए जा रहे हैं, और आप जो इस वक्त पीछे देख रहे हैं मेरे, ये झिलमिल कॉलोनी का इलाका है और यहाँ पर भी तमाम घरों पर झंडे लगे हुए हैं। आम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या सिर्फ रामराज्य टीवी स्क्रीन पर आया है, क्या सिर्फ रामराज्य अखबारों की हेडलाइंस में आया है, या फिर आम लोगों के जीवन में भी रामराज्य का प्रवेश हुआ है, या फिर रामराज्य की असली परिभाषा आम लोगों के लिए है क्या? आम लोग हैं, आम लोगों से ही बातें करेंगे, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? चंद्र शर्मा। अच्छा, कहाँ, यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, कल तो प्रोग्राम देखा होगा आपने, जो राम मंदिर का प्रोग्राम है। जी सर, हाँ देखे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा जी सर। ये रामराज्य की जो बातें हो रही हैं कि रामराज्य आ गया है, क्या मतलब है उसका, कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया। क्या समझ में आया? यही से देश आगे बढ़ रहा है।
क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री हैं आप, अच्छा। तो क्या रामराज्य आ जाने से आपके जीवन में कुछ असर पड़ेगा, कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो पड़ेगा, लग तो रहा है। क्या बदलाव हो सकता है, क्या बदलाव चाहते हैं आप? सरकार का बदलाव ना होगा सर, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे तो राम मंदिर के नाम पे क्या मोदी जी आएंगे? नहीं सर, तो वो तो अपना कह रहे हैं तो आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? बिंदल लाल शर्मा। अच्छा, तो कल का प्रोग्राम तो देखा होगा आपने? हाँ जी। खुश हैं? बढ़िया है जी। तो रामराज्य जो कह रहे हैं लोग कि रामराज्य आने वाला है, जो राम जी का राज था बहुत सालों पहले, अब वैसा ही रामराज्य भारत में दोबारा आएगा, क्या राज्य है वो, कुछ समझ में आया इसके बारे में? देखिए, रामराज्य का मतलब रामराज्य ऐसे नहीं आएगा, जो राम के आदर्श थे ना उस पे हर व्यक्ति को उनके चरित्र को पढ़ के चलना पड़ेगा, वही रामराज्य है। बाकी रामराज्य क्या है, एक दूसरे का समता का भाव होना चाहिए समाज के अंदर, भेदभाव नहीं होना चाहिए। छोटे बड़े का, छोटा बड़ा का, जैसे हमारे यहाँ सबसे बीमारी। चलिए चलिए भैया, गाड़ियाँ भी रुक जाती हैं कैमरा देखिए। हाँ बताइए। सबसे हमारे यहाँ के रामराज्य जब यह है कि हम लोग जातीय समीकरण को खत्म करेंगे। अच्छा, इंसान जो है ना केवल भेदभाव ना करे आदमी से। हाँ। वही रामराज्य है, वही रामराज्य। हाँ जी। तो अभी तक जो राजनीति में चल रहा है तो क्या वो रामराज्य के आसपास है? बिल्कुल है जी, अभी की राजनीति लगती है रामराज्य। सरकार का बढ़िया प्रयास है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आप खुश हैं जो हो रहा है? खुश हैं जी, इससे कोई दिक्कत। क्या बदलाव, जैसे आपने राजनीति का तो आप बता दिया, उसके अलावा और क्या होना चाहिए? बदलाव ये है कि अब गवर्नमेंट को जो है ना, जैसे रोजगार की तरफ थोड़ा फोकस देना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी थोड़ा बढ़ रहा है नौजवानों में, तो इस पे जो मध्यम वर्ग है इनको, मतलब जो काम धंधे पे ज्यादा वो करना चाहिए कि भाई जिस लेवल का जो है उसको रोजगार मिल सके। आप क्या काम करते हैं? हमारा कारपेंटरी का काम है जी। कारपेंटरी का काम है, तो उसमें भी वो क्या काम हल्का चलता है, क्या क्या चल रहा है अभी? नहीं, काम तो देखिए ठीक चल रहा है, कोई ऐसे ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। अच्छा। काम करने वाले के लिए कहीं काम का कमी नहीं है। हाँ। जो आदमी निकम्मा है उसके लिए तो हर जगह बेरोजगारी है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है। अच्छा, तो कल का जो प्रोग्राम हुआ वो देखा आपने? बिल्कुल देखा। खुश हैं उसको देख? बिल्कुल खुश हैं। राम मंदिर बनना चाहिए था, राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब इन सबसे बाहर आके अब देश की मुद्दों पर बात करना चाहिए, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, लोग गरीब हैं। अभी आप देखिए ठंड के आंकड़े कितने वो जा रहे हैं, सुनामी आ रही है उधर, तो वो आ रहा है, कहीं पानी नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है। अब इन पे बात होनी चाहिए, अब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, काम की बात होना चाहिए। बीमारी से आप हॉस्पिटल देखे भरे पड़े हैं, कहीं ये नहीं है, कहीं पे आप आर एम एल जाओ तो कहते हैं यहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, तो लोग भटक रहे हैं। लोग भटके ना, आप यहाँ से मेरठ तक चले जाए, कोई एक बड़ा हॉस्पिटल अगर मेरठ में एक्सीडेंट होगा तो उसको लाके जी टी वी भटकना पड़ेगा, मेरठ से जी टी वी लाना पड़ेगा। हाँ, आपको उसके बीच में कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं मिले। रामराज लाना है तो आप वहाँ पे हर जगह जगह एम्स टाइप के हॉस्पिटल बने, शिक्षा के संस्थान बने। जो फीसें 2 लाख रुपए एम्स आईआईएम वगैरह की थी, आप 20-20 लाख कर दी, वो नहीं होना चाहिए। लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं, उनसे अच्छे विदेशी से अच्छी शिक्षा के इंस्टीट्यूशन देश में खुलना चाहिए ताकि लोग बाहर ना जाएं। हमारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब राम मंदिर बन चुका है, रामराज्य जो है वो आने वाला है, अब जो है कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो फिर उसके लिए राम भगवान को खुद ही आना पड़ेगा, श्री राम को खुद आना पड़ेगा, खुद ही आना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। हाँ। तभी जो सबरी के बेर खा पाएगा, तभी रामराज्य आ पाएगा। रामराज्य ऐसे नहीं। शायद जी, जो तमाम राजनीति में लोग भी कहते हैं कि मुसलमानों को बड़ी समस्या थी, आपको थी क्या? नहीं, हमें नहीं थी। आप एक समाज को थी कभी? आप मुझे बताइए, किसी एक मुसलमान ने कहीं कोई विरोध किया हो के नहीं नहीं ये नहीं बनना चाहिए, गलत फैसला आया? कहीं एक जगह कोई एक घटना आपने रिमाइंड करो कि किसी मुसलमान ने ऐसा बोला, चाहे वो उबैसी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील थे उनके, या जो उसका 70 साल लेक्चर लड़ते रहे अंसारी साहब, क्या उन्होंने कभी कहा? उनका बेटा भी कल वहाँ पे उपस्थित था। तो रामराज ऐसे नहीं है, रामराज लाने के लिए राम को खुद ही आना पड़ेगा, राम को खुद ही आना। चलिए, ये भी एक पक्ष है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। अच्छा, कल का प्रोग्राम देखा, खुशी हुई? प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत खुशी हुई। और ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो ये मंदिर बना है,
और भाजपा इसका एडवांटेज ले रही है वो गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के उससे बनाए मंदिर जो बनाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। लेकिन कोई प्रधानमंत्री इससे पहले कहते कि बनना होता तो पहले भी बन जाता, मोदी जी का कुछ ना कुछ तो इसमें योगदान है ही। हाँ योगदान है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही बना है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश ना देता तो मंदिर की ये लड़ाई ऐसी ही लंबी चलती रहती। और हम खुश हैं कि भाई राम मंदिर बना, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। राम हमारे भी आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं, समझे ना, सबके आराध्य हैं। वो कोई इन्होंने खरीद नहीं रखा या इन्होंने कोई ये नहीं रखा कि भाई इन्होंने ठेका कि भाई इनके ही राम आराध्य हैं। राम सबके आराध्य हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं राम। अच्छा हाँ जी। अच्छा ये बताइए, जो अभी भैया बोल के गए कि अब जो हो गया हो गया, राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सब पे काम होना चाहिए, समर्थन करते हैं? भाई जी समर्थन करता हूँ, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र में वो नहीं चाहिए जहाँ पर मुस्लिमों को जय श्री राम के नाम पे पीटा जाए, जहाँ पर दलितों को पीटा जाए, जहाँ पर उन्हें कुएं से पानी लिया जाए। हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए जहाँ स्कूल अच्छे हों, जहाँ शिक्षा अच्छी हो, जहाँ अस्पताल अच्छे हों, जहाँ बुजुर्गों को घुमाने के लिए मतलब उनको अच्छा शिक्षा मिले, बहनों की रक्षा हो, बलात्कार ना हो। बीजेपी के सारे गुंडे तो बलात्कार कर रहे हैं, सारे तो बलात्कारी आजकल बीजेपी में घुसे हुए हैं। वो वॉशिंग मशीन है वहाँ जाके सब वो हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, सारे साफ हो जाते हैं। वहाँ वॉशिंग मशीन में घुसो सारे साफ, सब अच्छे हो जाएंगे। कुलदीप सेंगर को देख लो कितने हिट, अजीत पवार जो वो उसका जो है करप्ट थे, वो तो करप्ट थे, अगले दिन उनको डिप्टी सीएम बना दिया, अगले दिन डिप्टी सीएम बना दिया। तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए जहाँ पर बहन बेटी का सम्मान हो, सबका सम्मान हो, हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान हो, और वही भगवान राम की अच्छी बात मानी जाएगी। रामराज जैसे ही आएगा, रामराज, हाँ रामराज जैसे जाएगा, रामराज जैसे आएगा। हाँ जी, अंकल जी भी रुक गए हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? रमन वासुदेव। अच्छा, तो कल का प्रोग्राम देखा आपने? कहाँ पर? कल का जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, आपने झंडा भी लगाया हुआ अपनी स्कूटी पे, अच्छे से देखा। खुशी खुशी हुई? हाँ जी बहुत खुशी। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं रामराज जो है वो आ चुका है, तो आपके नजरिए में रामराज क्या है? अभी आना बाकी है रामराज, जब तक लोग अपने दिलों में से मैल हटाएंगे और फ्रॉड करना बंद करेंगे, चोरी चकारी बंद करेंगे, दिल साफ करेंगे, तो रामराज अपने आप आ जाएगा। कुछ आ गया है, कुछ और आ जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्तेमाल भी हो रहा है राम के नाम का, लोगों को सिर्फ राम का मंदिर दिखाकर चुनावी जो है जीत कर लेना चाहते हैं, ऐसा भी कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो देश के लिए करेगा पब्लिक उसी के साथ है, पब्लिक उसी के साथ रहेगी, धर्म हो या देश हो। क्या बदलाव चाहते हैं कि राम राज में क्या बदलाव होना चाहिए? मैंने आपको बताया ये अभी नहीं, ये तो एक व्यक्तिगत लेवल पे हो गया, जो प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं, जो आम लोगों से अलग है, तो जिम्मेदारी होगी कि हमें चोरी चकारी नहीं करनी है, अपने अंदर का मैल हटाना, वो तो हम आम लोगों की जिम्मेदारी है। प्रशासन की क्या जिम्मेदारी समझते हैं? प्रशासन को भी साथ देना पड़ेगा इसके, प्रशासन को भी जो गलत रास्ते चल रहा है, जो भ्रष्ट लोग हैं, उन लोगों को ये काम खत्म करना होगा, तभी आ पाएगा। ठीक बात है। क्या नाम है आपका अंकल जी? एक दो मिनट बात कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम हुआ? बात तो सुनिए सुनिए सुनिए, क्या नाम है ये तो बताएं। पवन कुमार। इधर आ जाए, इधर आ जाए, थोड़ा साइड में आ जाए। क्या नाम है? पवन कुमार। अच्छा, तो आपका कल का प्रोग्राम तो देखा ही आप? हाँ, बड़ा अच्छा। खुशी हुई आप? बहुत खुशी हुई। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि रामराज आ गया है। रामराज मंदिर बनने से हम ये नहीं कह सकते रामराज है, लोगों को जमीन पे भी रामराज होना चाहिए। हाँ है ना, जमीन पे भी हो, जमीन पे भी होना चाहिए। क्या लगता है, नहीं है जमीन पे? मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 100% है। हाँ, अभी तो इस पे बहुत काम होना है, शिक्षा में, एजुकेशन में। हाँ। और जैसे कि हेल्थ में बहुत काम होना बाकी है, लोगों की सोच में भी फर्क आना चाहिए, लोगों की सोच बहुत जरूरी है बदलने, लोगों की सोच बदलनी जरूरी है। अच्छा, तो जिस तरीके से अब जो कहा जा रहा है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया और इससे बड़ा भव्य आयोजन हिंदुओं के लिए कभी नहीं हुआ था, ये बात सत्य है? ये बात खुश, ये सच लगती है? कि इससे पहले इतना भव्य प्रोग्राम कभी नहीं हुआ, देश नहीं विदेशों में देख लो, अपने देश में तो है ही लेकिन विदेशों में भी है, बिल्कुल सत्य बात है। इससे भव्य प्रोग्राम कभी हमने नहीं देखा अपने जीवन में, ये बात सत्य है। अच्छा, तो राजनीतिक इस्तेमाल पे क्या सोचते हैं कि जो भी हो नरेंद्र मोदी राजनेता है, जो भी हो भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, चुनाव भी लड़ेगी, तो क्या उसका राजनीतिक इस्तेमाल जायज लगता है या नाजायज है? नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, वो समय बताएगा। समय बताएगा, चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए, और भी तमाम लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? दरोगी कुमार यादव। अच्छा, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं आप? हम तो लेबर मिस्त्री का काम कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं।
ठेकेदारी कर रहे हैं। कल का प्रोग्राम देखा आपने राम मंदिर वाला? बढ़िया है, खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। हमें ऐसे सरकार चाहिए, मोदी जैसे सरकार चाहिए। बिल्कुल मोदी जैसे ही सरकार चाहिए हमें, केजरीवाल जैसे सरकार नहीं चाहिए कि बार बार प्रदूषण लगाए, बार बार काम बंद करे, सारे लेबर मिस्त्री भूखमरी होके चले जाए अपना बिहार फिर वापसी में। बिल्कुल ठीक बात, हमें केजरीवाल जैसे सरकार बिल्कुल ही नहीं चाहिए, हमें मोदी जैसे सरकार चाहिए, मोदी जैसे हंसते हुए आदमी चाहिए। ये केजरीवाल जैसे नहीं, अपने घर बनाने में 45 करोड़ लगा दिया, 100 करोड़ लगा दिया, 200 करोड़ लगा दिया, हमें ये वाले सरकार नहीं चाहिए। हमें 10 का घर घर बनना चाहिए, एक एक आदमी का किसी का घर नहीं बनना चाहिए। मोदी हर के लिए मरते हैं, हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए मर रहे हैं। मोदी ऐसे आदमी चाहिए, मोदी जैसे आदमी चाहिए, केजरीवाल जैसे आदमी कोई भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो लोग तो ये कह रहे हैं कि रामराज जब आ चुका है तो रामराज्य में क्या चाहते हैं आप, क्या बदलाव हो आपके लिए? हमारे हिसाब से जैसे जैसे मोदी किए हैं वैसे कोई भी सरकार आया है वैसे कोई भी सरकार नहीं किए हैं। जैसे कुछ कुछ तो बताइए कि आप कुछ भी और क्या चाहिए? पढ़े लिखे हैं तो नहीं है, हम तो ऐसे जानते हैं कि जितना अच्छा काम किया है मोदी उतना अच्छा कोई भी सरकार नहीं किया है, चाहे कोई भी, जैसे कांग्रेस में कोई भी सरकार आया आपके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी क्या, बीजेपी में भी पहले मोदी से पहले जो सरकार आए थे इतना बढ़िया काम नहीं किए हैं जितना बढ़िया मोदी किए हैं। हमें तो मोदी मोदी जैसे दूसरा कोई सरकार चाहिए नहीं, मोदी के अलावा कोई सरकार नहीं चाहिए। मोदी के अलावा कोई नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या नाम, क्या नाम है? संदीप कुमार यादव। अच्छा, कल का प्रोग्राम देखे, खुश हुई? प्रोग्राम तो देखे भैया, बहुत खुश थे हम लोग, क्योंकि हमारे भक्त राम के ऊपर था, उसके ये नहीं राजनीति के ऊपर नहीं करवाए थे हम लोग। अच्छा। हम लोग भक्त के ऊपर मरे थे कि हमारा राम था, राम राम था, राम रहेंगे, हम हिंदू धर्म से हैं, इसीलिए उत्साहित थे और कोई उत्साहित नहीं है। ये जो कह रहे आज अभी जो भैया बोल रहे थे कि हमारा मोदी जैसे सरकार चाहिए, उनकी काम चलता है मोदी जैसे। आज गरीबों, हजारों गरीबों को पूछो जो मोदी ने क्या किया है, 400 रुपये दिहाड़ी करके हम आते हैं, 400 रुपये में हमारे परिवार 10 हो तो उसमें खाना नहीं मिलता हमें पता है ना किस चीज़ से महंगाई कैसे मारी जाती है। रोड पे चलते जहाँ 300 कमाते थे वहाँ 200 नहीं कमा पा रहे, हम 200 नहीं कमा रहे, हफ्ते हफ्ते गाड़ियाँ खड़ी रहती है हमारी, ये टैक्स लाओ, वो लाओ, ये करो, हमारे एक छोटी सी टेम्पू में इतना वो कर रखे जिसके मतलब से आगे हैं, हम नहीं कर पाते काम छोड़ के बैठे हुए एक हफ्ते से। आज वो भैया कह रहे हैं उनके बच्चे DAV में पढ़ते हैं, एक केजरीवाल के ऊपर पढ़ते हैं हमारे बच्चे भी अरवाचीन इंटरनेशनल में, कभी सपना नहीं देखता हमारे बच्चे, जहाँ 1.5 लाख रुपये उसे एडमिशन चार्ज है उन्हीं के बदौलत, हम तो केजरीवाल को चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जो आपके लिए क्या बदलाव हो, जैसे आपने एक दिहाड़ी का तो बताया कि 400 रुपये कमाते हैं, खाना भी नहीं पहुंच पाता, उसके अलावा और क्या चाहिए रामराज्य से आपको? रामराज्य से हमें क्या चाहिए? रामराज तो एक भगवान था, हमने देव के ऊपर माने, हमने ये नहीं माने कि हमारा नेता नहीं। लोग तो ये कह रहे हैं कि अब मोदी के राज में रामराज्य आ चुका है, वो तो लोग तो ये कह रहे हैं। रोजगार चाहिए, हम तो गरीब है, हमें रोजगार चाहिए, हमें 300 दिन काम चाहिए, काम भी नहीं मिलते, ऐसे काम मिलते हैं कि जहाँ हम कर नहीं पाते, और जबरदस्ती भी होता है काम कराने का, भी अभी भी जबरदस्ती होते है कि हमें काम ये करना होगा। जबरदस्ती काम? हाँ, जबरदस्ती करता है। क्या काम करते हैं अभी आप? हम टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। अच्छा, तो क्या फर्क आ गया? हम एक टेम्पू चलाते हैं जो कि छोटी गाड़ी, 11 बजे रात को हम दिल्ली से बाहर जाएंगे, कौन हमारे लिए बैठा रहेगा घर में, कोई रहेगा? हम गरीब के बच्चे, हमारे लिए सारा कानून अपराध है, अपराध है, हम अपराध की तरह जी रहे हैं। रात को 11 बजे नो एंट्री खोलते हैं कि तुम दिल्ली से बाहर 11 बजे बाद जाओगे, घर बैठो, तब तक कोई काम नहीं, कोई काम नहीं कर सकते हो। 5 बजे शाम को नो एंट्री लगा के 11 बजे रात तक हम बैठे रहते, कहीं जाए तो सड़क पे हो हमारे लिए क्रेन आ जाती है, क्रेन लगाने के लिए तुम्हारी गाड़ी करेंट से उठा लेंगे, लेकिन ये प्राइवेटों गाड़ी की नहीं होती, हम टैक्स भी भरते हैं, जूते भी खाते हैं, पुलिस वाले भी दो बातें सुनाते हैं सारा कर्म करने के बाद। इसके लिए कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। आज कहेंगे केजरीवाल आ गया तो कल मोदी आ गया, परसों अमित शाह आ जाएंगे, तरसों योगी जी आ गए, ये कौन योगी जी देख रहे हैं? गरीब को जहाँ है वहीं रहना होगा और रहेंगे, ये प्रशासन है और कुछ नहीं है भैया। तो आपको जो दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर के नाम पर तमाम चीजें हो रही हैं, एक तो राम मंदिर तो हिंदू धर्म है, हम राम को तो जानते हैं कि हमारे माँ बाप दादा उसके परदादा सबने पूजते हुए आए, उस पूजे के में हमने खुशहाली मनाए, ये नहीं कि हम रामराज से दुखी हैं, खुशी है हमें कि हमारा रामराज आया। अच्छा, क्या आपका क्या नाम हुआ? रामचंद्र शर्मा। रामचंद्र शर्मा, अच्छा, तो जो कल का प्रोग्राम देखा, खुश हैं उससे? उससे तो खुश है, उससे तो खुश है, लेकिन सरकार तो मुझे केजरीवाल जैसे चाहिए। केजरीवाल जी,
मोदी जी के लिए तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का इससे बड़ा कोई लीडर नहीं था, इससे ज्यादा जो गौरव का अनुभव था वो कभी नहीं हुआ हिंदुओं को। केजरीवाल बहुत सही आदमी है, चाहे दुनिया कुछ भी के, हमारे लिए नहीं, मैं केजरीवाल का तो पूछ नहीं रहा ना, केजरीवाल तो दिल्ली में है, केजरीवाल तो ठीक है, वो जो है तो हम खुशी है, बिल्कुल राम मंदिर के लिए खुशी है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा काम किया है। तो रामराज जो कह रहे हैं कि रामराज कल से आ चुका है, तो कुछ फर्क है आपके जीवन में? अभी तो कल तो शुरू हुआ, आप देखते ना आगे क्या फर्क पड़ता है, वो तो आप देखने के बाद ही पता चलेंगे कि आगे अब क्या होगा। क्या चाहिए आपको रामराज से, क्या चाहिए? ये खुशी चाहिए, अच्छा खासा चलना चाहिए, रोजगार काम करते हैं, बेलदारी करते हैं, बेलदारी करते हैं, काम में कुछ फर्क पड़ रहा है? अभी तो अब चल रहा है, कभी प्रदूषण से बंद हो जाते हैं, प्रदूषण बंद है आपका काम? हाँ, कभी खोलते हैं कभी बंद होते हैं। कितना पैसा मिल जाता है एक दिन? 500 रुपए दिहाड़ी है। 500 रुपए दिहाड़ी, 500 रुपए दिहाड़ी, और क्या फिर परिवार का उसमें एक दिन का हो जाएगा? नहीं, गुजारा उसी में करना पड़ता है, क्या करें, हो जाता था। हाँ। आपका क्या नाम है जी? 2 मिनट बात कर लेंगे, सुनिए। अच्छा मजी, क्या नाम है आपका? पिंकी शर्मा। अच्छा, कल का आपने टीवी पे वो देखा था राम मंदिर का जो प्रोग्राम था, खुश हुए? बहुत अच्छा, हमने कलश भी उठाए थे, कलश भी उठाए थे जी। अच्छा, तो लोग तो कह रहे हैं कि अब राम राज आ गया है, अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद है सब अच्छा हो। हाँ होगा, बहुत ही अच्छा है, आगे होगा भी अच्छा ही होगा। तो आपको क्या उम्मीद है कि अब क्या बेहतर चाहिए आपको जीवन में? इससे बढ़िया अब तो और आगे होना चाहिए, तो वो भी सही होगा। जैसे क्या क्या चीजें, जैसे अभी आप महंगाई के बारे में बात कर रही थी, महंगाई तो अभी क्या, जो जैसा है वैसा तो चलिए रहा है। अब हम अनपढ़ है तो हमारे जैसे तो हमारी जैसे होगा ना, आप लोग कुछ पढ़े लिखे हैं तो आपको कुछ अलग ही होगा। फिर भी आपकी क्या इच्छा हो, क्या इच्छा क्या है आपकी? हमारा यही इच्छा है कि मैं खुश रहूं, अपना जितना ही है उतना ही मैं खुश हूँ। लोग कह रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वोट मांगेंगे आगे जाके और दोबारा राम के नाम पे जीतते रहेंगे। रुक जाइए, आप खुश हैं? नहीं रुक जाइए, थोड़ी ना खुश है। अरे आप भी खुश है प्रभु, रुक जाइए, आपसे बात करूंगा मैं, रुक जाइए पहले उनको बात करने दीजिए। हाँ, कह रहे हैं राजनीति में इस्तेमाल होगा, आपको लगता है कि राजनीति में राम को लाना चाहिए? और ये राम, राम को राजनीति नाम का नाम इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी हुआ है? राजनीति पे राम आते हैं नहीं आएंगे? तो राम के नाम पे फिर बोलते हैं लोग कि राम के नाम पे वोट दीजिए, वोट मांगना राम के नाम पे ठीक है? देखो भैया, हम लोग तो कहीं और का है। हाँ। हम यहाँ का नहीं। कहाँ के हैं? मैं हूँ सहरसा जिला का। सहरसा से? हाँ जी, तो हम लोग तो वोट डाल भी नहीं सकते हैं, कई बार हुआ है यहाँ लेकिन हम लोग नहीं डाले हैं, तो अब हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते हैं, और जिसका अपना घरवार है वो कुछ भी करे, हमें उससे कह लेना है। चलिए ठीक। हाँ भैया, आप बताइए क्या कह रहे थे, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा रतन शर्मा नाम है। इधर आइए, इधर आइए, मेरा इधर थोड़ा साइड हो जाओ, सड़क पे हो भाई, इधर आइए। अरे प्रभु, उधर कहाँ जा रहे हैं, छोड़िए छोड़िए, आपका नाम आप बताइए, क्या नाम है बताइए, तो आपका नाम तो बताइए। आशा देव। अच्छा, जो कल का प्रोग्राम देखे आपने? हाँ जी। खुशी हो रहा है? हाँ, भगवान के नाम पे तो खुशी है, हम लोग भी खुशी मनाए हैं। अब लोग बोल रहे हैं सब कुछ आज से जब मंदिर बन गया है, आज से सब कुछ अच्छा होगा, रामराज आ गया है, तो रामराज से क्या उम्मीद है आपकी? रामराज का जो भक्ति है वो भक्ति ही होगा, रामराज से तो पब्लिक को कुछ नहीं लेना, पब्लिक को तो रोजी रोटी चाहिए, रोजी रोटी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इतने हम लोग कभी घर से फैमिली बाहर नहीं निकलते थे, वो फैमिली हम बाहर निकलने लगे, एक एक आदमी के ऊपर इतना बोझ हो गए, कर्ज में दब गया आदमी ये लॉकडाउन लेके, तो उसमें औरत को जो औरत घर में रहती थी वो औरत रोड पे आ गई, तो उसको अब क्या चाहिए? मोदी उदी से हमें कोई लेना देना नहीं, भगवान अपने जगह है, मोदी अपने जगह है, उसके लिए मोदी को वोट देना या ना देना हमारी, हम पे चुनेंगे, हम किसको चुनेंगे, ये कुछ नहीं है, भगवान के नाम पे हम मोदी को ही वोट डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। ऐसे भगवान है, भगवान सबने, हमने भी खुशी मनाई, हमारे मंदिर हम पब्लिक बना रखे हैं, उसमें भी हम लोग खुश थे, नाचे गाए सब चीज किए, मगर यहाँ तो रोजी रोटी का सवाल है, लॉकडाउन से हम लोग भीख मांग रहे हैं रोड पे, जो औरत घर से बाहर नहीं निकलती थी वो भी औरत जाके कोठी में बर्तन मांजती है, वो भी आज 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 रखेगी कल भगा देती है,
ऐसा नौबत आ गया तो और लोगों को आदमी को रोजगार दे, काम दे मोदी, तब ना हो गया। हाँ, गरीबों को सहायता है, गरीबों को क्या सहायता, ना झुग्गी हमारे पक्की है ना कुछ है, उसमें झुग्गी में भी धमकियाँ मिलते रहती, आज टूटेगी कल टूटेगी, ये भी धमकियाँ मिलती रहती है। तो हम और लेडीज़ क्या करेगी, लेडीज़ तो घर ही संभाल सकती है। लोग तो ये बोल रहे हैं राम राज्य में किसी को परेशानी नहीं होगी, अब सब कुछ अच्छा चलेगा क्योंकि राम अब दोबारा वापस आ गए। तो भक्त में तो अच्छा चलेगा ही, मगर इसमें मोदी का कोई लेना देना नहीं, कोई योगदान नहीं, नहीं, वो हम लोगों पे डिपेंड करता है, हम किसे चुनेंगे। आपका क्या नाम है जी? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमन जी आपका क्या नाम है दीदी? चलिए कोई, क्या आपका क्या नाम है जी? अरे बताइए तो। चलिए आप काम कर रहे हैं, सुनिए सुनिए, दो मिनट सुनिए मेरी बात। आप यही काम करते हैं? हाँ, आप हैं? हाँ, ये कचौड़ी वगैरह। हाँ, क्या नाम है आप? कमलकांत। कमल जी, अच्छा मास्क नीचे कर लेंगे जरा, चोट लगी है ये देखो। अच्छा अच्छा ठीक। तो कल का प्रोग्राम देखे? बहुत खुश है। खुश है उससे? हाँ। तो लोग कह रहे हैं राम राज्य तो आ गया है, अब सब कुछ बढ़िया होगा, उम्मीद है। हम भी सुधर जाए तब राम राज्य आ जाएगा, ऑटो लेटिंग हो तो हम दोनों सुधर जाए, सब आ जाएगा। ये भी भाई सुधर जाए, ये भी खड़ा, ये भी सुधर जाए, राम राज्य तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ चलिए आपसे बात कर लेते, इधर आइए। क्या नाम है आप? मेरा नाम रतन शर्मा है। इधर देखिए, कैमरा उधर है। हाँ, मेरा नाम रतन शर्मा है। हाँ, रामराज कब आया है बताइए? कब आया? वही तो हम बता रहे हैं आपको। हाँ, कब आया रामराज? आज आया, कल आया कि परसों आया है कि पहले से आया रामराज? लोग तो ये कह रहे हैं राम मंदिर बन गया है, सब अच्छा होगा, रामराज्य की स्थापना अब हो चुकी है। अच्छा। हाँ, रामराज देखो इसे 20 साल पहले आया है रामराज। राम राम जो जिस दिन से जन्म लिया है रामराज 15-20 साल से आया। ये एक मंदिर बना दिया मोदी, तो ये थोड़ी ना कि रामराज कले राम पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। राम तो बहुत दिन से पैदा हुआ है, अब बहुत दिन से हम भी नहीं जन्म लिए हैं, तब से हम राम को हम देख रहे हैं, राम को हम पूजा कर रहे हैं, राम को तो हम नमस्कार भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, राम का बजरंग बली का हम खुद भगत है। सबसे पहले ये है देखो, जो राम का जो मंदिर बना है उससे तो हम बहुत खुश हैं, उससे हम बहुत खुश हैं, खुश हैं, बहुत खुश हैं, हम राम का भक्त हैं। हाँ, हम हिंदू हैं, राम के भक्त हैं। ठीक है। सबसे पहले ये है कि रामराज आज आया है तो हम भी बहुत खुशी के। क्या उम्मीदें हैं, उम्मीदें बताइए, क्या उम्मीदें हैं रामराज से? रामराज से यही उम्मीद है कि हमें बहुत खुश है। उम्मीद तो बताइए, खुश हैं ठीक बात है, क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं कि राम राज्य में ऐसा क्या हो कि आपका जीवन बेहतर हो जाए? राम राज्य में यही हम चाहते हैं कि जब मोदी सरकार है, हम यही चाहते हैं कि सारे अपना जितना भी, जब अपना भारत का जितना भी हिंदू है, हिंदू राष्ट्र जितना बोल रहे हैं, सबका जो है दुख और मतलब की गरीबी बदला जाए, मतलब की गरीबी कैसे कम होगा, गरीबी गरीब लगता है, गरीब मजदूरी नहीं मिल रही है यहाँ पे, सही से काम नहीं भटकता है, मजदूरी में जहाँ 500 रुपया दी आ रही है वहाँ 300 रुपया दे रहा है बंदा, जहाँ 400 रुपया दी आ रही है वहाँ 450 देता है, 450-450 दे देता है। हाँ, अच्छा जी, तो ये तो बेहतर हो गया ना, 450-450 दे देंगे नहीं। या कम बता रहे हैं? कम बता रहे हैं। हाँ, जहाँ 500 है वहाँ 450 दे रहा है। हाँ, जहाँ 500 दी आ रही है वहाँ 450 मिलता है, दिहाड़ी हम मिलता नहीं है, यही बात है। और काम ठीक नहीं चलता, काम सही नहीं चलता, काम सही नहीं चलता, और कि गरीबी में आप दुख बाद में बात करेंगे, आप तो रहने दीजिए। ठीक, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए ये आम लोगों के मन की बात है कि इस देश में खैर अब तो एक ही आदमी को मन की बात करने की इजाज़त है, लेकिन आम जनता के मन की बात यही है कि राम राज्य है, अच्छी बात है, मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, सभी हर्षोल्लास से भरे हुए हैं, सभी खुश हैं, सभी अपने अपने मन की बात बता रहे हैं, राम भक्त सभी हैं, राम से किसी को समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इस पेट से है कि जो कमाते कमाते इंसान थक जाता है, ये पेट का कुआं भर नहीं पाता है। ये बात सोचने और समझने की है कि अगर हम सभी रामराज्य में जी रहे हैं तो क्या रामराज्य में कोई एक व्यक्ति भी भूखा सोता था? क्या रामराज्य में किसी महिला की आबरू लूटी जाती थी? क्या रामराज्य में किसी अपोजिट विचार को दबा दिया जाता था? क्या रामराज्य में वो सब होता था जो आज के भारत में हो रहा है, या फिर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो पिछले 9 सालों में हो रहा है? आपके इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली के झिलमिल इलाके से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।